क्या आप सऊदी में घर बसाना चाहते हैं? आपके मन में भी ये सवाल जरूर होंगे कि सऊदी में शादी कैसे होती है। तो आज का वीडियो में हम लोग सऊदी के शादी के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे वहाँ का कानून क्या कहता है। सऊदी के कानून के अनुसार केवल मुस्लिम व्यक्ति ही सऊदी में शादी कर सकता है। सऊदी अरब की अदालत किसी अन्य धर्मों के बीच विवाहों को मान्यता नहीं देता। यहाँ का कानून मुख्य रूप से शरिया कानून द्वारा पालन की जाने वाली अदालतों पर आधारित है। कहा जाता है यदि आप एक अलग धर्म या देश के आते हैं तो सऊदी अरब में अपनी शादी को मान्यता देने का एकमात्र तरीका देश के बाहर शादी करना और लौटने पर कानूनी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, या फिर आपका दूतावास या आपके साथी देश के प्रतिनिधित्व दूतावास जाकर कानूनी स्वीकृति लेना है। यदि आप मुस्लिम हैं तो आपको ये सुनिश्चित करने के लिए जाँच करनी चाहिए कि आप सऊदी अरब में शादी के योग्य हैं या नहीं है। आपको इन सब आधार पर खरा उतरना होगा। नंबर एक, लड़का लड़की दोनों की इकमा यानी निवास परमिट होनी चाहिए। नंबर दो, महिला को अपने वर्तमान गार्डियन से लिखित अनुमति लेनी होगी। नंबर तीन, दोनों को शादी के शर्त से सहमत होना पड़ेगा। नंबर चार, धार्मिक प्रथाओं को पूरा करना होगा। नंबर पाँच, शादी समारोह और प्रमाण पत्र सऊदी परिवार न्यायालय द्वारा जारी किए जाएंगे। नंबर छः, दो गवाहों के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन का एक पत्र प्रस्तुत करना होगा। नंबर सात, जीवन साथी या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति। नंबर आठ, अभिभावक की उपस्थिति या महिला का एजेंट। एक महिला का अभिभावक आमतौर पर पति होता है, लेकिन इस बीच यदि वो मर जाता है तो मरहरम करीबी रिश्तेदार हो सकता है, जैसे पिता, भाई, चाचा, यहाँ तक कि बेटा भी। महिला के नियति पर अभिभावक का निर्णायक शब्द होता है। 2019 के बाद से सऊदी में विवाहित महिलाएं अपने अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त किए बिना जन्म, विवाह और तलाक को पंजीकृत कर सकती है। गैर सऊदी महिला द्वारा सऊदी नागरिक से शादी करने के लिए विशेष कानून लागू होता है, इसीलिए तलाक के बाद सऊदी पूर्व पति यानी एक्स हस्बैंड अपने एक्स वाइफ पर जब तक वो पुनर्विवाह नहीं करती तब तक गार्डियनशिप का अधिकार रखता है। अगर सऊदी पुरुष दूसरे देश की महिला से शादी करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसे किसी दूसरे देश के महिला से शादी करने के लिए सऊदी पुरुष को अदालत में आवेदन करना होता है। एक बार मंजूरी मिल गई तो वो बाकी औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नंबर एक, महिला को अपने वर्तमान गार्डियन से लिखित अनुमति लेनी होगी। नंबर दो, दोनों को शादी की शर्त से सहमत होना पड़ेगा। नंबर तीन, धार्मिक प्रथाओं को पूरा करना पड़ेगा। नंबर चार, विवाह समारोह और प्रमाण पत्र सऊदी परिवार न्यायालय द्वारा जारी किए जाएंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि सऊदी में विदेशी महिला कुछ विशेष मामलों को छोड़कर सऊदी देश के पुरुष के लिए योग्य नहीं है। महिला को सऊदी नागरिक के समान लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। हालांकि शादी के बाद पैदा हुए बच्चे को जन्म के समय सऊदी नागरिकता मिल जाएगी। अगर महिला सऊदी की है और पुरुष विदेशी है तो क्या होगा? ये मामला बहुत रेयर होता है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं। इस केस में सऊदी की अदालत से परमिशन लाना बेहद सख्त होता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।